नमस्कार दोस्तों, आज का टेक्नोलॉजी फैंस के 4 नए अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग, सब लोग घर में हो ना, शांति से घर में रहो, आराम से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छा समय व्यतीत करो और बाहर मत निकलो जब तक लॉकडाउन है तब तक, ओके? क्योंकि घर में रहोगे तो ही सेफ रहोगे, क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। इसका चेन को कट करना, ब्रेक करना ही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए फटाफट टेक्नोलॉजी साइंस के आज के 4 नए अपडेट्स को जान लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नासा की तरफ से। चांद के ऊपर ये लोग टेलीस्कोप बनाने वाले हैं, रेडियो टेलीस्कोप बनाने वाले हैं। अब आइडिया ऐसा है कि जो क्रेटर्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं चांद के ऊपर, पहले अगर आप मुझे पहले से देख रहे हो तो मैंने चांद के गड्ढों के बारे में बहुत सारी बातें की हुई है। तो ये चांद के ऊपर जो गड्ढे होते हैं, क्रेटर्स होते हैं, उन क्रेटर को यूज करके, समझो ये चांद के ऊपर पहले से गड्ढा है, ओके? उल्का, बड़े बड़े उल्काएं जो उस पर गिरती है, एटमॉस्फेयर न होने के कारण वो पूरा का पूरा डायरेक्ट वहां गिर जाती है, वो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जल के भस्म नहीं होती है। तो जो गड्ढे हैं वो गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं चांद के ऊपर, ठीक है? तो इस गड्ढों को यूज करके अलग से ऐसा कर्व नहीं बनाना पड़ेगा हमें, छाता टाइप, ठीक है? वो गड्ढों को यूज करके डायरेक्ट हम टेलीस्कोप बना पाएंगे। ये मतलब बहुत पुरानी तरकीब है, बहुत पुराना आइडिया है। धरती पे भी ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप बनाए गए हैं टाइम टू टाइम, जिसमें गड्ढे करके उसको यूज किए गए हैं। सपोर्ट वगैरह कुछ लगता नहीं है, गड्ढा कर दो और उसको सेंसर वगैरह बीच में लगा दो, तो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये चांद के पीछे के साइड में, फार साइड में ये टेलीस्कोप बनाने का इरादा है। अभी आपको याद होगा तो इंडिया का जो मून मिशन था वो फार साइड में, अंधेरे साइड में, पीछे के साइड में लैंड होने वाला था। तो मुझे लगता है ये कहीं इधर वहीं इसी वजह है इसे, यानी कि इंडिया पीछे के साइड में एक्सपेरिमेंट करने वाला था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पीछे के साइड में कोई कभी गया नहीं है, कभी किसी का वहाँ पे रोबोट उतरा नहीं है आज तक, लैंडर वगैरह। तो इंडिया इसी वजह से कुछ इस तरह से पीछे के साइड में जाने की कोशिश कर रहा था या अभी भी है। तो बहुत सारी बातें रहती है जो पब्लिक में नहीं बताई जाती है। तो पीछे के साइड में इसको टेलीस्कोप को बनाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि धरती के टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लाइट के वेवलेंथ जो हैं धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही वो फिल्टर हो जाते हैं, यानी कि वो पहुंच भी नहीं पाते हैं वो लाइट के कुछ कुछ वेवलेंथ से। तो और दूसरी बात कि पीछे साइड में होने के कारण क्या है, धरती से होने वाले जो इंटरफेरेंस है, ओके, इंटरफेरेंस जो पोल्यूशन है, यानी वेव्स के जो पोल्यूशन जो हम इंसान लोग करते हैं, वो पोल्यूशन से भी वो पीछे के साइड रहने के कारण उसको तकलीफ नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो देखते हैं, चांद का गड्ढा तो हर किसी का है, वहाँ तो कोई मालिक नहीं है, तो क्या होता है आगे चल करके। मुझे लगता है इंडिया भी ऐसा कुछ करना चाहिए और जल्दी से जल्दी फटाफट स्टेप लेना चाहिए। अगर अमेरिका ने बोल दिया तो एक दावा कर दिया अमेरिका ने, तो अब इंडिया को भी कुछ ऐसा बोल के दावा करना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी जो अपडेट आ रही है वो आ रही है निकॉन की तरफ से। निकॉन आपको पता होगा कैमरा में नंबर 1 है वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत अच्छा नाम है, निकॉन कैनन, ये नाम तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो निकॉन जो है क्लास चालू कर रहा है, क्लास सिखाने का, वो भी फ्री, इंडिया में जब तक लॉकडाउन है तब तक, इसी महीने के 30 तारीख तक ही है। ये जो है क्लास में रघु राय, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं, अवार्ड विनर फोटोग्राफर हैं, उनके द्वारा और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स को इन्होंने कोलैब किया हुआ है, और ये लोग मिलकर आपको सिखाएंगे। बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर्स के थ्रू आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो जाइए, इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये क्लास जो होगा इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा, यूट्यूब पे होगा। ये इनके जो निकॉन के जो ऑफिशियल हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल मतलब निकॉन का जो ऑफिशियल यूट्यूब पे जो चैनल होगा, फेसबुक पे जो पेज होगा ऑफिशियल वाला, ये जो हमने तुमने बनाए हुए वाले नहीं, ऑफिशियल पेज को ढूंढिए और वहाँ जा करके ज्वाइन कीजिए फटाक से। ये फ्री ऑफ चार्ज है। अब टाइमिंग कैसे होगी ये सब तो आपको जाके वहाँ जाके पता चलेगा। मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे भी फोटोग्राफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? तो दोस्तों, तीसरी जो अपडेट आ रही है वो भी मज़ेदार अपडेट है। नारायणन गुरुकुलम जो है, ये केरला के एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने गूगल में बग रिपोर्ट करके गूगल को मिस्टेक
गलतियां बता के कुछ $10,000 का इनाम जीता है। ये जो है ये 2-3 सालों से पहले से करते आ रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी फेसबुक को इनके प्रॉब्लम्स बग्स इनके सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम बग मतलब इनके सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम होते हैं वो बता करके इनाम जीते हुए हैं। गूगल को बता के जीते हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट को बता के जीते हुए हैं। तो ये बहुत ही होनहार बंदे हैं। ये बड़े बड़े कंपनियाँ बड़े बड़े इंटेलिजेंट गोल्ड मेडलिस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो रहते हैं प्रोग्रामर उनके प्रोग्राम में उनके सॉफ्टवेयर में ये बग ढूंढते हैं। सोचिए आप तो ये कितने दिमाग वाले होंगे। तो इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है, $10,000 अभी मिला है उनको हाल में। ये एक जो अभी लेटेस्ट वाला जो केस है ये था कि कॉन्टैक्ट कार्ड जो हम भेजते हैं गूगल के फ़ोन से एंड्रॉयड से, तो कॉन्टैक्ट कार्ड जब भेजते थे दूसरे मोबाइल में तो वो दूसरे मोबाइल को क्रैश करता था। वो क्यों करता था? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट कार्ड के एंड में अगर हम एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर लगा देते हैं तो उसके बाद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, वो सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं कर पाता था। ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है इसका एक्चुअल, बट जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं। तो उसके वजह से दूसरा जो मोबाइल है जिसको हम भेजते थे वो क्रैश होता था। ये इन्होंने रिपोर्ट किया गूगल को और गूगल को ये गलती समझ में आई, इन्होंने माना इस चीज़ को और इनको इनाम में $10,000 यानी कि करीब करीब 7.6 लाख रुपीस इनाम में दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही होनहार हैं, ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। अगर आप में भी कुछ इस तरह का टैलेंट है आप ढूंढिए और इनको बताइए, गूगल को फेसबुक को इनको रिपोर्ट कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अवार्ड तो मिलेगा। अगर सच में कुछ होगा गलती तो ठीक है, अपने आप से मनगढ़ंत कहानी नहीं बताए बनाइएगा। तो दोस्तों चौथी जो अपडेट आ रही है वो फिर से आ रही है जूम की तरफ से, Zoom जूम की तरफ से आ रही है। ये जूम का जो है अभी नया नया एक अपडेट आया है, इनके CEO ने बोला है कि हमने अपडेट दिया है। अभी इस अपडेट में अगर हम मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेंगे तो मीटिंग आईडी वगैरह नहीं जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि मीटिंग का अगर स्क्रीनशॉट ले रहे थे तो मीटिंग की आईडी वगैरह भी जा रही थी उस स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो ऐसा कुछ कुछ घटना हुआ, अमेरिका में भी हुआ। तो इसके और पहले के वीडियो में भी मैंने बताया हुआ कि काफ़ी कुछ बवाल हुआ है इनके नाम पर कि इनका जो सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है वगैरह वगैरह। तो जाइए देखिए, अगर आप यूज करते हो तो जाइए फटाफट, नया अपडेट आया हुआ अपडेट कर लीजिए, अपडेट करके यूज कीजिए। बट कुछ तो है, कुछ तो डाउट है, अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। बट इनका कहना है कि ये भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया और भी बहुत सारे इसमें सिक्योरिटी के अपडेट्स भी किए हैं। तो देखिए अभी नया निकल के क्या आता है कि इनमें बग है या नहीं है, तुरंत कल परसों तो पता चली जाएगा इस बात को लेकर के। तो दोस्तों ये थी आज की 4 इंपॉर्टेंट अपडेट। तो दोस्तों कोरोना वायरस का टाइम है, घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम से बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए अड्डाबाजी करने के लिए। तो दोस्तों अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, अपने हाथ को बार बार धोते रहिए, अपने मन को भी स्वच्छ रखिए, अच्छे विचार लाइए जिससे कि आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।